अस्सलामुअलैकुम। आज के एपिसोड में ओवरसी कंस्ट्रक्शन आपको साथ में लेकर घर का टूर करवाएगा। सराउंडिंग फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 15 फीट रोड देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये साथ में लेकर घर स्पेनिश हाउस अवेलेबल है मार्केट में सेल आउट के लिए। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग इसका विज़िट करेंगे। डिटेल इसी वीडियो के दौरान इंटीरियर डिज़ाइन, फ्लोरिंग डिज़ाइन और प्राइस शेयर की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिल सके। रैम की जानिब चलते हैं। रैम देखें, जैसे कि यहाँ पर टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। रैम के साथ ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टेप्स बनाए गए हैं, यहाँ पर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन बेल्ट एरिया बनाया गया है, देखें, जो इन फ्यूचर यहाँ पर हम लोग लॉन बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेनिश किस्म का बनाया गया, माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। गेट की बात की जाए तो यहाँ पे देखें स्पेनिश किस्म का यहाँ पे गेट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जाना CNC ग्रिल इस्तेमाल की गई है, मेटल का गेट बनाया गया है। इसके साथ यहाँ पर देखें फ्रंट एलिवेशन पर यहाँ पर हमें वाल पेपर देखने को मिलेंगे। आपको एक दफ़ा फिर क्लोज करके फ्रंट एलिवेशन दिखा देता हूँ। साथ में लेकर घर मौजूद है मार्केट में अवेलेबल। तो फर्दर गेट की तरफ चलते हैं। घर के अंदर एंटर होते साथ ही यहाँ पे कारपोच है। कारपोच में एक अच्छे बड़े साइज का कारपोच बनाएगा, यहाँ पे एक गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। यहाँ साइड वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 3 निश देखने को मिल जाएंगी जिनके अंदर वॉलपेपर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग बनाई गई है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमें मेन गेट, मेन घर की एंट्रेंस देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पे देखें एक विंडो लगाई गई है। उसके साथ यहाँ पे देखें यहाँ पे एक गेट बनाया गया है जो ड्राइंग रूम को हमें एक्सेस करता है। उसके बाद यहाँ पे टाउन के लॉस के मुताबिक यहाँ पे 5 फीट गैरी छोड़ी गई है। यहाँ पे एक विंडो लगाई गई है फ्रंट एलिवेशन पर जो हमें ड्राइंग रूम से एक्सेस करती है, फ्रंट एलिवेशन जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेन गेट से हम अंदर एंटर होते हैं। एंटर होते साथ ही यहाँ पे हमें स्टेयर्स देखने को मिलेंगे जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे एक्सेस करती हैं। ये देखें जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च पे यहाँ साइड वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे मीडिया वॉल बनाई गई है। बैक वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें वॉलपेपर खूबसूरत किस्म का देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ सीलिंग की बात की जाए तो नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पर सीलिंग डिज़ाइन की गई है। साथ में लेकर स्पेनिश हाउस जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पर फ्लोरिंग डिज़ाइन की गई है जो पूरे ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च में इस्तेमाल की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च के साथ ही यहाँ पे एक पार्टीशन की गई है। पार्टीशन के साथ यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है जो ड्राइंग रूम जैसे कि आप देख सकते हैं। साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वाल पेपर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैक वॉल पे हमें एक विंडो देखने को मिलेगी जो हमें गैलरी की तरफ एक्सेस करती है। यहाँ पर एक सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखें ये किचन है, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम और साथ यहाँ पे भी में तो एक पार्टीशन करके यहाँ पे किचन बनाया गया। किचन के तरफ चलते हैं। किचन में फ्लोरिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरी एक ही कलर की जाना कंपेरिजन की गई है। यहाँ पे किचन में देखेंगे देखें कैबिनेट्स बनाए गए, यूवी शीट का यहाँ पे कैबिनेट्स बनाए गए। यहाँ पे हमें देखें हुक देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चूल्हा देखने को मिल जाता है। कैबिनेट्स हाइड्रोलिक किस्म के कैबिनेट्स बनाए गए। उसके ऊपर ये देखें कैबिनेट्स के ऊपर ये देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पे जाना टाइलिंग इस्तेमाल की गई है। उसके बाद यहाँ किचन में एक जाना एक वेंटिलेटर के लिए एक विंडो लगाई गई है जो स्टेयर्स के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद ये देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन जैसा कि आपको दिखाता चलूँ, नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन किया गया है जैसे, ठीक है। उसके बाद किचन से बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट रूम का डोर देखने को मिलेगा। ये देखें ये 2 डोर हैं जो आपस में ये एक ही वॉल पे दो डोर बनाए गए हैं, ठीक है। एक फर्स्ट रूम की तरफ हमें लेके चलता है, दूसरा सेकेंड रूम की तरफ चलता है। सो फर्स्ट रूम की तरफ हम लोग एंटर होते हैं। फर्स्ट रूम में आते साथ ही फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर खूबसूरत किस्म की यहाँ पर फ्लोरिंग डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे हमें एक विंडो देखने को मिलेगी जो हमें बैक गैलरी पे एक्सेस करती है। उसके बाद यहाँ पे सीलिंग की बात की जाए तो नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रिप्स लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक वॉल पे बात की जाए तो यहाँ पे एक मीडिया वॉल बनाई गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे LCD की जगह छोड़ी गई है, उसके साथ ही थ्री छोटी छोटी निश्चित बनाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक अटैच बाथरूम देखने को मिल जाता है।
बाथरूम में एंटर होते साथ ही यहाँ पे साइड पे हमें कैबिनेट्स देखने को मिलेंगे, हाइड्रोलिक कैबिनेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मिरर देखने को मिलेगा, मिरर के साथ ही यहाँ पे हमें एक निश देखने को मिलेगी, एक मॉडर्न मॉडर्न डिजाइन यहाँ पे जाना वॉशरूम हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पूरे वॉशरूम की साइड वॉल पे और फ्रंट वॉल पे बैक वॉल पे फ्लोरिंग टाइल के साथ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहाँ पे हमें इंग्लिश सीट देखने को मिलेगी। फर्दर फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 2 की तरफ एंटर होते हैं। रूम नंबर 2 के अंदर एंटर होते साथ ही यहाँ पे हमें साइड वॉल पे हमें खूबसूरत वॉलपेपर देखने को मिलेगा। सो वॉलपेपर के साथ ही यहाँ पे हमें एक खूबसूरत किस्म की सीलिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की यहाँ पे सीलिंग बनाई गई है, माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत। उसके बाद यहाँ पे रूम नंबर टू पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हमें कैबिनेट्स देखने को मिलेंगे। देखें हाइड्रोलिक किस्म के यहाँ पे जाना कैबिनेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक वॉशरूम देखने को मिलेगा। वॉशरूम के ऊपर जैसे कि आप देखेंगे छोटी सी जाना यहाँ पे 2 कैबिनेट्स बनाए गए हैं। उसके बाद वॉशरूम नंबर 2 की तरफ एंटर होते हैं। यहाँ पे सामने हमें मिरर देखने को मिल जाता है। मिरर के साथ यहाँ पे हमें बेसन देखने को मिलेगा। बेसन के साथ यहाँ पे इंग्लिश शीट देखने को मिलेगी और नहायत ही एक्सपेंसिव किस्म के यहाँ पे जाना सेंट्री का सामान इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे एक वेंटिलेटर है जो पीछे बैग अली की तरफ हमें एक्सेस करता है। फर्दर हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे हमें स्टेयर्स देखने को मिलेंगी। स्टेयर्स के साथ ही ये देखें मेन गेट से पीछे यहाँ पे एक पाउडर रूम बनाया गया है जो नहायत खूबसूरत किस्म का यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। पाउडर रूम की तरफ चलते हैं। पाउडर रूम में देखेंगे तो यहाँ पे मिरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे साथ बेसन और साथ यहाँ पे इंडियन सीट इस्तेमाल की गई है। फर्दर हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ एंटर होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हमें स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टेयर्स पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया। मार्बल के साथ यहाँ पे ग्रिल देखें तो यहाँ पे हमें वुडन ग्रिल देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा वायर छोड़ा गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेयर्स पे यहाँ पे हमें 2 निशीज देखने को मिलेंगी जिनके अंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया। नहायत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे 2 निशीज बनाए गए हैं। निशीज के साथ यहाँ पे एक विंडो देखने को मिलेगी फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स पे जो हमें रूम नंबर 1 पे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के एक्सेस करती है। फर्दर हम लोग यहाँ पे ऊपर एंटर होते साथ ही यहाँ पे हमें एक बड़े साइज का टीवी लाउंज देखने को मिलेगा। मीडिया वॉल जैसे कि आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। मीडिया वॉल के ऊपर सीलिंग की बात की जाए ग्राउंड फ्लोर पर टीवी लाउंज की तो देखें माशाल्लाह डिफरेंट कलर्स की यहाँ पर शिफ्ट लाइट इस्तेमाल की गई है और एक अच्छी किस्म का सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे साइड वॉल पे देखेंगे तो माशाल्लाह देखें नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे निशीज बनाई गई हैं और मीडिया वॉल और साइड वॉल पे एक ही कलर के यहाँ पे जाना सीलिंग इस्तेमाल की गई है। उसके बाद मीडिया वॉल के ऊपर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेनिश हाउस में ये एक नया लुक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे स्ट्रिप लाइट इस्तेमाल की गई हैं अंदर। फर्दर यहाँ पे हमें 4 बेडरूम्स देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं टीवी लॉन्च के साथ यहाँ पे हमें ओपन किचन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत किस्म का किचन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। ऊपर कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया गया, नीचे भी कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यूवीसी की शीट इस्तेमाल की गई है। नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे कैबिनेट इस्तेमाल किए गए। कैबिनेट्स के यहाँ सीलिंग की बात की जाए तो माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है। सीलिंग के साथ वो हमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गेट कितना खूबसूरत किस्म की यहाँ पे ग्रिल इस्तेमाल की गई है जो हमें यहाँ से हवा प्रोवाइड करती है। फर्दर ग्राउंड फ्लोर पर टीवी लॉन्च के साथ यहाँ पे 2 डोर्स लगाए गए हैं, ठीक है। एक डोर जो है हमें एक रूम नंबर 1 की तरफ एक्सेस करता है, दूसरा रूम नंबर 2 की तरफ एक्सेस करता है। रूम नंबर 1 की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते हैं। एंटर होते साथ यहाँ पे हमें एक विंडो देखने को मिलेगी जो नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे ग्रिल से इस्तेमाल डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे हमें साइड वॉल देखने को मिलेगी। साइड वॉल पे हमें वॉलपेपर देखने को मिलेगा जो नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। उसके बाद यहाँ सीलिंग की बात की जाए तो माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ इसके साथ ही यहाँ पे हमें अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा। यहाँ पे डोर की बात की जाए तो माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे डोर इस्तेमाल किए गए हैं। इस रूम के बाथरूम के साथ यहाँ पे हमें कैबिनेट्स देखने को मिलेंगे। कैबिनेट्स के साथ यहाँ पे हमें अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिरर है, साथ
बेसन लगाया गया और साथ ही इसके एक बंडल लगाया गया और साथ वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर एक लगाया गया। फर्दर रूम नंबर टू की तरफ एंटर होते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। रूम नंबर टू पे एंटर होते हैं साथ ही यहाँ साइड वॉल पे आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे वॉलपेपर डिज़ाइन किया गया है। वॉलपेपर के साथ यहाँ पे मेन सीलिंग डिज़ाइन जैसे कि आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन किया गया है। फर्दर हम लोग रूम नंबर टू में एंटर होते साथ ही यहाँ पे हमें विंडो देखने को मिलेगी जो पीछे हमें पीछे बैक और गैलरी की तरफ एक्सेस करती है। ये ओपन टू स्काई है, ये हमें यहाँ पे एक विंडो देखने को मिलेगी। फर्दर यहाँ पे हमें रूम नंबर टू पे यहाँ पे कैमरास देखने को मिलेंगे जो नहायत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे हाइड्रोलिक की नहायत ही खूबसूरत किस्म के यूवी की शीट के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। फर्दर यहाँ पे रूम नंबर टू पे यहाँ पे अटैच बाथरूम की तरफ एंटर होते हैं। एंटर होते हैं साथ ही यहाँ पे हमें मिरर देखने को मिल जाएगा, साथ ही हमें यहाँ बेसिन देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा वेंटिलेटर बनाया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्दर ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर थ्री की तरफ एंटर होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। टीवी लॉन्च के साथ यहाँ पे हमें दो डोर देखने को मिलेंगे सो रूम नंबर थ्री की तरफ एंटर होते हैं। रूम नंबर थ्री पे एंटर होते हैं साथ ही यहाँ पे हमें एक बड़े साइज की विंडो देखने को मिलेगी जो स्पेनिश टाइप की डिज़ाइन की गई है। इसके साथ यहाँ पे हमें मीडिया वॉल देखने को मिल जाती है जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एलसीडी की जगह बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पे एक कैबिनेट्स बनाए गए हैं जो वॉल के अंदर फिट किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सीलिंग की बात की जाए तो माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है। फ्लोरिंग की बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च में मुख्तलिफ टाइल इस्तेमाल की गई है और यहाँ डोम्स में मुख्तलिफ टाइल इस्तेमाल की गई है। डोर्स एक अच्छी किस्म पर यहाँ पर डोर इस्तेमाल किए गए हैं। फर्दर रूम नंबर टू की तरफ एंटर होते हैं। रूम नंबर टू में एंटर होते साथ ही यहाँ पे हमें एक और विंडो देखने को मिलेगी। विंडो के साथ स्पेशल यहाँ का फीचर्स ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सीलिंग डिज़ाइन स्पेनिश हाउस वहाँ पे इसके ऊपर ये ट्रस्ट का काम किया गया है थ्रस्ट का, ठीक है। तो उसके साथ ही यहाँ पे देखें जैसे माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग डिज़ाइन की गई है। उसके बाद यहाँ पे हमें विंडो देखने को मिलेगी जो हमें स्टेट्स का कनेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे हमें वाशरूम देखने को मिलेगा, अटैच वाशरूम जिसमें मिरर इस्तेमाल किया गया है और बेसन इस्तेमाल किया गया और एक इंग्लिश सीट इस्तेमाल की गई है। इसके साथ यहाँ पे हमें एक छोटी निश देखने को मिल जाएगी, निश के साथ हम छोटा सा वेंटिलेटर देखने को मिलेगा जो हमें बेड फ्रंट एलिवेशन पे एक्सेस करता है। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ से बाहर। बाहर आते साथ यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ तो ये देखें यहाँ पे एक ये छोटा सा टेरेस बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें फ्रंट एलिवेशन, यहाँ से आप चेक लो व्यू चेक कर सकते हैं। नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन बनाया गया जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंडो है। फर्दर हम लोग चलते हैं छत की तरफ। स्टेट्स पे छत की तरफ जाने के लिए स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। स्टेट्स पे फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे मार्बल इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे निशीस लगाई गई है दो जिनके अंदर वॉलपेपर लगाया गया है नहायत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे निशीस डिजाइन की गई है। उसके बाद यहाँ पे विंडो देखने को मिलेगी जो हमें छत से एक्सेस करती है। छत पे एंटर होते साथ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जाना स्पेनिश हाउस जैसा आपको मैंने बताया था स्पेनिश हाउस की यहाँ छत है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे काम किया गया है। एक बड़े साइज की हमें यहाँ छत देखने को मिलेगी जिसके साथ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज लगाई गई हैं जो हमने ये विंडो जो ओपन करेंगे तो ये हमें यहाँ से हवा जो है वो नीचे जाएगी सीधा डायरेक्ट टीवी लॉन्च में। आपको मैंने दिखाया था टीवी लॉन्च में ग्रिल इस्तेमाल की गई है और ये देखें यहाँ पे किचन की ग्रिल जो मैंने आपको दिखाई थी ये यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ से एक माशाल्लाह एक अच्छा हवादार घर, यहाँ से अच्छी हवा नीचे पूरे घर में एंटर हो सकती है। आसपास का इलाका जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर डेवलप हो चुका है। इस घर की डिमांड 1 करोड़ 60 लाख है, 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है। कमी पेशी मौके पे हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस घर की जो भी डिटेल लेनी हो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और विज़िट जब भी आप कहें आपको विज़िट करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।